দেও জো পিএসসি মা হোকে বাবা দিন রাত পড়না হে মজা বো ধমাল ये कैसे होगा सर? बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों को कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज के हिंदी के लैंग्वेज मंत्र के अंतर्गत हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो है आपका सफिक्स और प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय। इससे संबंधित प्रश्न चाहे वो व्यापन हो चाहे वो पीएससी का प्री हो, अब तो इससे संबंधित प्रश्न आपको मेंस में भी पूछे जाने लगे हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, कृदंत प्रत्यय किसे कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। ये सारे क्वेश्चन है आपके अब सीजीपीएससी मेंस में भी पूछा जा रहा है। पर प्री में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या व्यापन की परीक्षाओं में किस प्रकार का उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न पूछा जाता है उसी की चर्चा करेंगे। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स और प्रत्यय यानी कि सफिक्स, यानी कि देखने वाली बात है कि उपसर्ग और प्रत्यय में से उपसर्ग क्या होता है। तो आपको पहले बता दूं, उप का मतलब होता है करीब का, या तो हम कह सकते हैं पास का, या हम कह सकते हैं समीप का। तो किसी भी मूल धातु शब्द के पहले, किसी भी मूल धातु शब्द के पहले जुड़ने वाले पक्ष को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग क्या है, किसी भी मूल धातु शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में एक नयापन, एक रूपांतरण या एक परिवर्तन करने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। इस उपसर्ग का प्रयोग करने से क्या होता है, शब्द में एक नयापन आता है, एक बदलाव आता है और विशेष प्रकार के शब्द का प्रभाव जो है सुनने में मिलता है। यदि हम एक मूल धातु शब्द हार कहते हैं, यदि इसके सामने हम प्र लगा दें यह प्रहार हो जाता है, यदि हम सम लगा दें तो संहार हो जाता है, उप लगा दें तो उपहार हो जाता है, आ लगा दें तो आहार बन जाता है और वी लगा दें तो विहार बन जाता है। ऐसे ही देश के सामने यदि हम प्र लगा दें तो प्रदेश, उसी प्रकार वी लगा दें तो विदेश, इसी प्रकार सम लगा दें तो संदेश और उप लगा दें तो उपदेश बन जाता है। तो किसी भी मूल धातु शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश को ही उपसर्ग कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब जुड़ने वाला। दूसरी बात, ये उपसर्ग की खासियत होती है कि उपसर्ग की सबसे बड़ी पहचान होती है ये उपसर्ग या तो एक वर्ण अक्षर का होता है या तो ये उपसर्ग दो वर्ण अक्षर के होते हैं, तीन वर्ण अक्षरों का कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। जब ये उपसर्ग किसी मूल धातु से जुड़ रहे होते हैं तो मूल धातु में जुड़ते समय कभी वह स्वर संधि की प्रक्रिया से तो कभी वह व्यंजन संधि की प्रक्रिया से शब्द में एक नयापन को लेकर आता है। कभी कभी विसर्ग संधि के कुछ नियमों से हमें उपसर्ग की प्राप्ति भी होती है। इन उपसर्गों का वैसे तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये किसी मूल धातु शब्द से जुड़ते हैं तो इन्हीं उपसर्गों का एक विशेष अर्थ है जो स्पष्ट होने लगता है। उपसर्ग भी शब्द की तरह वर्ण अक्षरों का समूह होता है, उपसर्ग भी शब्द की तरह वर्ण अक्षरों का समूह होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा कि वर्ण अक्षरों के समूह में यदि हम राम कहते हैं तो इसका एक अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन यदि हम सम कहते हैं, उप कहते हैं, उसी प्रकार अगर हम अति कहते हैं, ये शब्द तो है परंतु इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब यही अति शब्द किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो कभी नकारात्मक प्रभाव तो कभी विशेष अर्थ वाले शब्द का निर्माण जो है वो करता है।
अब बात आती है कि उपसर्ग का प्रयोग हमारे द्वारा जब किया जाता है तो कितने प्रकार के उपसर्ग हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहने वाली बात है कि हमारे द्वारा संस्कृत के शब्दों को उपसर्ग के तौर पर जब इस्तेमाल किया जाता है तो संस्कृत के उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं, हिंदी के उपसर्गों को हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं, और वो उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं में प्रयोग होता है उसे विदेशज उपसर्ग के नाम से पुकारा जाता है। और इस तरह देखा जाए तो उपसर्गों की संख्या है, कहा जाता है कि संस्कृत में 20 से 22 प्रकार के उपसर्ग हैं जो प्रयोग होते हैं संस्कृत भाषा में, परंतु इसी से हम 19 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों के लेखन के लिए करते हैं। दूसरी बात, अगर हम हिंदी भाषा के उपसर्ग की बात करते हैं तो हिंदी के उपसर्गों की संख्या 10 मानी जाती है और विदेशज उपसर्गों की संख्या 12 मानी जाती है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं अब इसकी चर्चा हम करेंगे। और अगर इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो जो आई बटन आपको दिख रहा होगा उसको क्लिक करेंगे तो एक लिंक मिलेगा जहां पर आप उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित टॉपिक को बहुत अच्छे से समझकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किसी धातु शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करने वाला शब्दांश क्या कहलाता है, क्या उसे हम कारक कहते हैं, क्या उसे निपात कहते हैं, क्या उसे प्रत्यय कहा जाता है, क्या उसे उपसर्ग कहते हैं। तो समझने वाली बात है कि पहली बात तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जुड़ता है शब्दारंभ में, ठीक है। तो उपसर्ग कहां जुड़ता है, शब्द के आरंभ में, यानी किसी धातु शब्द से पहले आ जाता है और उस शब्द में एक नयापन, एक बदलाव, एक विकार, एक विशेष अर्थ वाले शब्द का प्रभाव बनाता है, तो ऐसे शब्दांश को उपसर्ग के नाम से पुकारा जाता है। कारक रचना क्या होती है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित होता है उसे कारक रचना कहते हैं। निपात क्या होता है, जो वाक्य में शब्द के साथ कहीं भी गिर पड़े उसे निपात शब्द कहा जाता है। और प्रत्यय क्या होते हैं, सफिक्स यानी किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाले को प्रत्यय कहा जाता है। लेकिन शब्दारंभ में जुड़ने वाला शब्दांश क्या कहलाता है, उपसर्ग के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्याकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग की पहचान कीजिए। मैंने अभी बताया कि जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियम का पालन किया जाता है। देखने वाली बात है कि व्याकरण कह रहा है तो कितने प्रकार के उपसर्ग है, इसमें बी ऑप्शन नंबर बी में व्या, ऑप्शन नंबर सी में आ और ऑप्शन नंबर डी में ए और सी दोनों। ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, वी धन आकरण कहता है, ठीक है। यण स्वर संधि की प्रक्रिया के अनुसार वी का ई और आ इसने क्या बना दिया, ईया, अब वह हो गया हमारा आधा और यहां देखिए आपका करण, ठीक है। अब चूंकि ये व्यंजन वर्ण है इसके बाद व्यंजन है तो जो व्यंजन कभी पूरे नहीं होते वो व्यंजन आपके स्वर के बगैर पूरा ना होकर व्याकरण बना, इससे देखा जाए तो वी और आ कहकर दो प्रकार के उपसर्ग का इस शब्द में क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, इस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना, तो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। देखने वाली बात है कि अप उपसर्ग का प्रयोग यहां वाद में देखने को मिल रहा है, परा उपसर्ग का प्रयोग यहां जय में देखने को मिल रहा है, भाव में प्र उपसर्ग देखने को मिल रहा है, लेकिन ओढ़ना कहते हैं तो ओ नामक कोई भी आपका उपसर्ग नहीं होता, ओढ़ने में हमारे लिए ना प्रत्यय जो है जोड़ा गया, यानी कि यहाँ पर आपके प्रत्यय का प्रयोग है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रत्युपकार, प्रतिदिन तथा प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या यहाँ प्र उपसर्ग है, प्रत उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है या प्रत्यु उपसर्ग है। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ यण स्वर संधि की प्रक्रिया हो जाती है, अगर हम प्रत्युपकार कहते हैं तो इसकी संधि विच्छेद देखेंगे तो प्रति धन उपकार होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रति उपसर्ग है।
ठीक है। इसी रूप में अगर हम प्रति के साथ में दिन की बात करते हैं तब हमारे लिए यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, और प्रति धन अक्ष कहते हैं तब हमारे लिए प्रत्यक्ष बना, यानी कि हमारे लिए प्रत्युपकार, प्रत्यक्ष और प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है। पहचानेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा, जब हमको उपसर्ग पहचानना हो कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है, तो ध्यान रखिएगा अगर किसी शब्द में हमें आधा त दिखाई दे रहा है ना, यानी चाहे वो हमारे लिए प्रत हो चाहे वो हमारे लिए अत हो, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हम अति और प्रति उपसर्ग को देखते हैं, ठीक है। अगली बात, किसी शब्द में आधा भ दिखाई दे तो यहाँ पर हमारे लिए आपका अभी उपसर्ग होता है, जैसे कि अभ्यागत कहा तो आधा भ दिखाई देगा तो अभी उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। यदि किसी उपसर्ग में हमारे लिए आधा भ दिखाई देता है, जैसे कि व्यवहार कहा था, जैसे कि व्याकरण कहा था, तो यहाँ पर हमारे लिए भी उपसर्ग का प्रयोग होगा। किसी उपसर्ग में अगर हमें अनुस्वर देखने को मिलता है तब यह उपसर्ग हमारे लिए सम उपसर्ग होगा। इसी तरह जब किसी उपसर्ग में हमें आरएफ वर्ण देखने को मिलता है, जैसे कि निर्झर दुर्गुण कहता है, तो यहाँ पर हमारे लिए या तो निर उपसर्ग होगा या तो हमारे लिए वहां दुर उपसर्ग होगा। जहां आधा स दिखाई देता है, जैसे कि दुस्साहस कहता है, ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे लिए आधा स वाला उपसर्ग होगा या तो हमारे लिए निस उपसर्ग के प्रयोग जो है वो किए जाएंगे। जिस उपसर्ग में हम देख रहे हैं तो यहाँ व्यंग विसर्ग संधि के प्रयोग से नीर और दुस, इसी प्रकार आपके निस और दुस का निर्माण जो है वो हुआ है। साथ ही हम ये पाते हैं कि जब हमारे द्वारा व्यंजन संधि की प्रक्रिया निभाई जाती है तो जहां पर किसी शब्द में हमें दिखता है, जैसे कि उल दिखता है, जैसे कि उद दिखता है, जैसे कि हमारे लिए उन दिखता है ना, जैसे उन्नति कह रहा है, उल्लेख कह रहा है, उद्घोष कह रहा है, उद्घाटन कह रहा है, तब वहां हमारे लिए उत उपसर्ग के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। इस तरह उपसर्ग पहचानने का ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि मैंने यहाँ कहा प्रत्युपकार, तो ध्यान से समझिएगा कि आधा ता है ना, तो प्रति यानी कि प्रत या अत है, तो इसका मतलब है कि वहां पर अति या प्रति उपसर्ग का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द की पहचान कीजिए, इन उपसर्गों का प्रयोग उचित तौर पर कहां है। ऑप्शन नंबर ए निबन परिजन 29, ऑप्शन नंबर बी निसंतान पराजय 69, ऑप्शन नंबर सी निमग्न प्रभाव अवरोध, और ऑप्शन नंबर डी निवारण प्रत्युत्तर या 59। अब देखिए आपको जिस क्रम में ये दिया हुआ है उसी क्रम को आपको देखना है। अब बंध में नी उपसर्ग है बिल्कुल सही, जन में परी उपसर्ग है बिल्कुल सही, और उन में 29 है। एक कम की संख्या बताने के लिए हम उन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, कि 70 में कम है तो 69, 60 में कम है तो 59 कहते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर नी उपसर्ग तो है परंतु दूसरे शब्द में परी नहीं बल्कि परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक प्रयोग गलत है, बाकी दो प्रयोग जो है वो सही है। तीसरे में देखते हैं, पहले में हमारे लिए नी का प्रयोग सही है लेकिन दूसरे में प्रा है और तीसरे में अव है, तो प्रा और अव यहाँ पर दिया ही नहीं है। तीसरा है निवारण, अब यहाँ पर प्रत्युत्तर कह रहा है, यहाँ कौन से आपकी उपसर्ग हो गई, प्रति उपसर्ग हो गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे सही किसमें है, नी उपसर्ग का प्रयोग निबंध में, परी का प्रयोग परिजन में, और उनका प्रयोग 29 में। अब आता है अगला क्वेश्चन, अब आता है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है नाकाम, ऑप्शन नंबर बी कहता है हम नवाज, ऑप्शन नंबर सी कहता है बेधड़क, और ऑप्शन नंबर डी कहता है समवाय। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संस्कृत के कितने उपसर्ग है, जिनका प्रयोग है, हिंदी का कैसा है और अरबी फारसी का कैसा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी प्रयोग हुए हैं तो संस्कृत के उपसर्ग, जिस उपसर्ग की हम बात कर रहे हैं ये वर्ण अक्षरों का समूह होता है, शब्द की तरह होते हैं, जिनकी पहचान है या तो एक वर्ण का होगा या दो वर्ण का होगा, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता। परंतु जब भी ये किसी शब्द के साथ में जुड़ते हैं उन शब्दों में एक नयापन देखने को मिलता है। तो संस्कृत के उपसर्गों में अगर हम कहें तो अभी
अति अभी उत उत। अब इसी उत से हमारे लिए उद का भी प्रयोग होता है। अब देखने वाली बात है यहाँ जो अभी है और आपका अति और अभी है ये यण स्वर संधि की प्रक्रिया से बदल जाते हैं। दूसरा उप और उत की बात करते हैं तो उत से उद कहकर व्यंजन संधि में बदल जाता है। इसी प्रकार प्रति परा प्र अब का प्रयोग आपका आ नी सु या स कु या क सम का ये व्यंजन संधि की प्रक्रिया से अनुस्वर में बदलता है। अनु दूर या दोस ये आपके विसर्ग संधि की प्रक्रिया से आते हैं। नीर और नीस ये भी विसर्ग संधि की प्रक्रिया से आते हैं। अगली बात कि संस्कृत के उपसर्गों से बनने वाला शब्द जो होता है वह संस्कृत प्रभावी होता है। जैसे कि अभ्यागत अत्यधिक अधिकार अवरोध कहता है निमग्न कहता है सुलक्षण कहता है निर्जन कहता है निस्साहस कहता है। इसी प्रकार देखा जाए तो उपदेश कहता है या उद्घोष कहता है प्रतिरूप कहता है प्रत्यारूप कहता है आपका अनुरोध कहता है पराजय कहता है प्रभाव कहता है। ये सारे शब्द हैं जो संस्कृत प्रभावी हो जाते हैं। दूसरी बात हिंदी भाषा हिंदी के उपसर्गों को हम तद्भव उपसर्ग के नाम से जानते हैं और संस्कृत उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग के नाम से पहचानते हैं। तो हिंदी में जो शब्द होंगे वह हमारे लिए हिंदी प्रभावी शब्द होगा यानी कि साधारण बोलचाल की देशज शब्दों के जैसे प्रयोग जो होंगे होंगे। जैसे कि अ से अथाह है अगाध है। अब अ का प्रयोग औचट औघर के लिए भी कहते हैं और अवगुण को लिखने के लिए अवगुण भी लिखा जाता है। दू का प्रयोग अधमरा अधखिला बिन सोचे बिन समझे भरपूर भरपेट उसी प्रकार परलोक कहता है कुलक्षण कहता है कुरीति कहता है सुविचार कहता है। तीस में एक कम संख्या तो एक कम संख्या बताने के लिए उन उपसर्ग का प्रयोग है इसलिए उनतीस उनचालीस उनहत्तर कहता है। और नी का प्रयोग यहाँ भी है यहाँ निमग्न निवारण निसंकोच है यहाँ निधड़क है निगोड़ा जैसा शब्द है। अब विदेशज है जहाँ अरबी फारसी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इस अरबी फारसी में हम गैर का प्रयोग करते हैं जैसे कि गैर सरकारी अल का प्रयोग करते हैं जैसे कि अल कायदा कहते हैं। खुश यानी कि श्रेष्ठता बताता है तो खुश मिजाज कोई कमी बताता है तो कमजोर कम ख्याल कम ख्याल कहता है कमसिन कहता है। यह नकारात्मक शब्द बताता है लाचार लावारिस नाजायज ठीक है नापसंद। इसी प्रकार बद का प्रयोग भी आपका होता है जैसे बदहजमी बदहवास कहता है बेखौफ बाकायदा बमुलाहिजा कहता है सरताज सरजमी कहता है तो हर रोज हर दिल कहता है हम सफर हम नवाज हम नशी कहता है। और इसी प्रकार बिल्कुल कहता है बरवक्त कहता है बर्दाश्त कहता है। इससे बनने वाले शब्द जो होंगे वो उर्दू प्रभावी शब्द होंगे। इसके अलावा हम कुछ इंग्लिश के प्रीफिक्स को भी यूज करते हैं जैसे कि सब कहते हैं तो सब डिविजन कहते हैं डिप्टी का प्रयोग करते हैं जनरल का प्रयोग करते हैं ठीक है हेड का प्रयोग करते हैं वाइस का प्रयोग करते हैं। ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जिनका इस्तेमाल होता है। तो प्रश्न ने क्या पूछा है कि कौन से शब्द में अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो देखने वाली बात है कि ना कह रहा है तो यह एक नकारात्मक शब्द बना रहा है यानी कि नाकाम कह रहा है तो अरबी फारसी का उपसर्ग है हम नवाज कह रहा है तो हम उपसर्ग भी है बेधड़क कह रहा है तो बे उपसर्ग भी है। लेकिन समवाय कह रहा है यह सम उपसर्ग है जो संस्कृत का उपसर्ग है तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपके आता है कि इनमें आपका संस्कृत का उपसर्ग है बाकी तीन जो है वो अरबी फारसी का है। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अभी मैंने बताया कि हिंदी के उपसर्ग का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे बनने वाला शब्द हिंदी प्रभावी हो जाएगा और हिंदी उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग के नाम से पुकारते हैं। तो भरपेट कह रहा है अधमरा कह रहा है बिन सोचे कह रहा है लेकिन अभिभावक कहता है तो तीन हमारे हिंदी के हैं परंतु अभिभावक कह रहा है तो यह हमारे लिए संस्कृत का उपसर्ग है ठीक है। तो किसमें हिंदी का उपसर्ग नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी में संस्कृत का उपसर्ग नहीं है ठीक है। अब आता है उत उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। मैंने पहले बताया कि जब संधि की प्रक्रिया होती है तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ यण स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के प्रयोग से उपसर्ग के प्रयोग करने पर शब्द का प्रभाव जो है वो बदल जाता है। उत उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर ए उत्कर्ष ऑप्शन नंबर बी उन्नति ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य और ऑप्शन नंबर डी उपदेश। कहने वाली बात है कि जब उत उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है
तो इससे हम देखते हैं तो उद्घोष से उद्घोष बन जाता है, इसलिए उत और उद को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन उत से उपसर्ग से यदि हम उत्नति कहते हैं तो उन्नति, ठीक है। इसी प्रकार उत्लेख से हमारे लिए उल्लेख बन जाता है, उत्कर्ष से हमारे लिए उत्कर्ष बन जाता है, ठीक है, और उद्देश्य से हमारे लिए उद्देश्य बन जाता है। इन सब में उत उपसर्ग का प्रयोग है, लेकिन यहाँ स्पष्ट दिख रहा है प उपसर्ग लगा हुआ है उप के साथ में, इसलिए प लगने से उपदेश बना है। जहां पर उप उपदेश में उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तो तीन में उत उपसर्ग का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर डी में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, एक से अधिक उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अब आप कहेंगे कि एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग कैसे है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में व्याकरण में दो उपसर्ग थे, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह केवल एक ही उपसर्ग का प्रयोग हो। कभी कभी किसी शब्द में एक, किसी किसी शब्द में दो, कभी कभी आवश्यकता पड़े तो तीन उपसर्ग भी पाए जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि एक से अधिक उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, अनाचार, अत्याचार, अप्रत्यक्ष या उपयुक्त सभी। देखने वाली बात है यहाँ पर हमारे लिए अ के साथ में अन उपसर्ग भी देखने को मिल रहा है, अन आचार भी कह सकते हैं या अनाचार, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका अ या अन यानी कि एक उपसर्ग है। दूसरे रूप में यहाँ पर हमारे लिए मैंने पहले ही बताया कि आधा का है, माने कि यहाँ पर अति उपसर्ग का प्रयोग है, ठीक है। साथ में देखा जाए हमारे लिए अत्याचार कह रहा है तो अति आचार, ठीक है ना, यहाँ हमारे लिए अति के साथ में आ उपसर्ग का प्रयोग जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। अप्रत्यक्ष, यहाँ अ उपसर्ग है और प्रति उपसर्ग है, ठीक है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक से अधिक उपसर्ग हमारे लिए सभी में देखने को मिलता है। अ और अन कह रहा है, अन धन आ कह रहा है, अन धन आ कह रहा है, वहां हमारे लिए दो उपसर्ग हो गए, यानी कि अन आचार, यानी कि यहाँ दो उपसर्ग हो गए, अ प्रति दो उपसर्ग हो गए, अति और आ कहकर दो उपसर्ग हो गए। तो कुल मिलाकर इसमें तीनों में सभी में हमारे लिए एक से ज्यादा उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर, स्वागत शब्द में कितने उपसर्ग हैं, क्या एक है, क्या दो है, क्या तीन है, क्या चार है। तो स्वागत शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है, जिसको तोड़ने का प्रयास करते हैं कि हम सु धन आगत कहते हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर एक और दो, दो उपसर्ग यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि सु और आ से हमारे लिए स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर एक उपसर्ग आ और एक उपसर्ग सु कहकर स्वागत शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी में संस्कृत के कितने उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, क्या 22, क्या 19, क्या 12 या क्या 10 उपसर्ग के प्रयोग हैं। मैंने बताया कि संस्कृत भाषा में 20 से 22 प्रकार का उपसर्ग होता है, जिसका हम हिंदी में 19 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। अरबी फारसी में हम 12 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं और हिंदी के लिए हम 10 प्रकार के उपसर्गों का हमारे द्वारा देशज उपसर्ग के तौर पर प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अप्रत्याशित शब्द का सही उपसर्ग का विन्यास क्या है। ऑप्शन नंबर ए आ धन परि धन त्याश धनशित, ऑप्शन नंबर बी अ धन प्रति धन आशा धन इत, ऑप्शन नंबर सी अप्रत्य धन आशित और ऑप्शन नंबर डी अ धन प्रत्याशित। तो देखने वाली बात है इसमें कौन सा प्रयोग जो है वो उपसर्ग के तौर पर किया गया है। यदि हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं कि आ और परी कहते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए देखने वाली बात है कि प्र के बाद में आधा त जुड़ा है, मतलब कि अ उपसर्ग के साथ में प्रति है और यहाँ पर आशा है और इत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। तो सोचने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी शब्द में यदि हमें आधा प्रत या आधा अत मिलता है या आधा अब मिलता है या हमारे लिए ऐसा उपसर्ग मिलता वाला शब्द मिलता है, तो ये हमारा प्रति उपसर्ग है, ये हमारा अति उपसर्ग है, ये हमारा अभी उपसर्ग है और यह हमारे लिए सम उपसर्ग का प्रयोग देखने को मिलेगा। जहां किसी शब्द में जैसे कि यदि हमारे लिए आपका जैसे मिलता है दूर, है ना, जैसे कि मिलता है हमारे लिए आपका दूस, मैंने पहले ही बता दिया है जब वो मिलता है हमारे लिए नीर और जब हमारे लिए मिलता है निस, तो देखने वाली बात जहां पर आरेफ वर्ण जुड़ा होगा जैसे कि निर्जर निर्गुण दुर्जन दुर्लभ, तब ऐसे सिचुएशन में दूर और हमारे लिए नीर का प्रयोग जो है वो यहाँ होगा।
किसी शब्द में आधा सा होगा, जैसे कि निसंतान निसंकोच, ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए दोष और निस शब्द का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या पूछा है, अप्रत्याशित में कौन सा उपसर्ग का विन्यास है, तो अधन प्रति धन आशा धन ईत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किस शब्द में उर्दू उपसर्ग प्रयुक्त शब्द है, अलकायदा, दरअसल, पूरा तत्व, या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अब देखने वाली बात है कि मैंने संस्कृत के जब उपसर्गों की चर्चा की थी उसमें मैंने परी पर और प्र लिखा था लेकिन पूरा नहीं लिखा था। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ क्रिया विशेषण के शब्द हैं संस्कृत के जिसे हम एडवर्ब कहते हैं, तो संस्कृत के अव्यय या अविकारी शब्द, तो जो संस्कृत के अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग कभी कभी आवश्यकता के अनुसार एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है, और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि, तो होता क्या है कभी कभी संस्कृत के अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय यानी कि हमारे संस्कृत के क्रिया विशेषण। ठीक है, इस क्रिया विशेषण के चार हिस्से हैं ना, अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए तो समय सूचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, और आपके एक होता है आपका जो है वो स्थानवाचक। इन्हीं में से कुछ उपसर्ग की तरह अव्यय शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, यानी देखने वाली बात है इस संस्कृत के अव्यय में अधः का प्रयोग करते हैं और यही अधः हमारे लिए अधो का रूप धारण करता है, तो अधोगति अधोलिखित में कौन सा उपसर्ग है कहेगा, तो वहां पर अधः होगा। इसी प्रकार पूरा का प्रयोग करते पुरातन पूरा भाव के लिए, चीर का प्रयोग करते चिरंजीव चिरस्थाई के लिए, पुनर का प्रयोग करते, अब ये पुनर जो है यह पुनः उपसर्ग होता है, अब इसी में पुनरावृत्ति पुनरेव इसी प्रकार पुनरावलोकन ऐसे शब्द का निर्माण होता है। नाना का प्रयोग करते नानाविध नानाविधि, इसी प्रकार अलम अलंकार कहते हैं, अलंकृति कहते हैं, इति इतिश्री कहते हैं, ठीक है, इसी प्रकार सहपाठी सहगामिनी कहते हैं, बहिर बहिरागमन कहा जाता है, प्राक यानी कि प्राक कथन कहते हैं, इसके अलावा अमात्य कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, स्वदेश कहते हैं, यथाशक्ति यथाभक्ति कहते हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ संस्कृत के ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं जिसका प्रयोग भी उपसर्ग के तौर पर किया जाता है, तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि अलकायदा उर्दू का उपसर्ग है, दरअसल उर्दू का उपसर्ग है, परंतु पूरा तत्व कह रहा है, पूरा का मतलब होता है पहले का, पहले समय का, प्राचीन समय का, तो देखने वाली बात है यह संस्कृत का है। बाकी दो जगह यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपके अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 14 संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं उनकी पहचान करना है, यहाँ दिया है अध, यहाँ दिया है अंत, यहाँ दिया है पूरा, और यहाँ दिया है सभी। देखने वाली बात है कि अगर हम इसे अधः कहते हैं, है ना, तो अधः अंतः पूरा ये सभी आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं जो अव्यय शब्द होते हैं संस्कृत के, जिनका प्रयोग उपसर्ग के तौर पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। खौफ शब्द का नकारात्मक शब्द बनाने हेतु तो उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया जाएगा, अ, ना, बे या बा। तो खौफ, तो देखने वाली बात है कि उपसर्ग का प्रयोग करने से ये वर्ण अक्षर होते हैं इसमें किसी प्रकार का अर्थ नहीं होता, परंतु जब शब्द के साथ जुड़ते हैं तो विशेष अर्थ वाले, कभी नकारात्मक प्रभाव तो कभी कोई कमी तो कोई विशेषता, ऐसे अर्थ को बताते हैं। अब यदि हम खौफ कह रहे हैं जिसका मतलब है डर, तो इसका अगर हम विलोम शब्द बना रहे हैं, नकारात्मक बना रहे हैं, तो हमारे द्वारा किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर हमारे द्वारा बेखौफ कहकर इसका एक नकारात्मक शब्द बनाया जाएगा। तो उपसर्ग का प्रयोग करने से विलोम शब्द बन जाते हैं, एक विशेष प्रभाव वाले शब्द बन जाते हैं। अगर इन सब की विशेष जानकारी चाहिए कि अभी का प्रयोग किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है, इसी प्रकार कभी कभी ऐसा होता है अति का प्रयोग किस अर्थ के लिए होता है, तो जहां अधिकता है वहां अति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार जहां पर कोई अच्छा है तो सु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, जहां कोई कमी है तो बद ला या ना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे विशेष प्रभाव से उपसर्ग का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ध्यान समझेंगे कि उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी भी मूल धातु शब्द के पहले जुड़ता है, तो किसी भी शब्दारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश को ही उपसर्ग कहा जाता है। दूसरी बात, ये उपसर्ग तत्सम तद्भव और विदेशज तीन प्रकार के उपसर्ग हैं जिनका इस्तेमाल हिंदी भाषा में किया जाता है। ये उपसर्ग एक वर्ण दो वर्णाक्षर के हो सकते हैं, तीन वर्ण का नहीं होता। आवश्यकता पड़ने पर इन उपसर्गों में हम संधि की प्रक्रिया से उसके निर्माण देखते हैं, और सारा डिटेल मैंने
बता दिया कि उसकी पहचान क्या होगी, कि किसी शब्द को दे दिया गया है और पहचानने कहेगा तो किस प्रकार से आपको वहां उपसर्ग की पहचान करनी है। चलिए अब उपसर्ग के बाद में आते हैं हम प्रत्यय को जानने के लिए, जिसे सफिक्स कहा जाता है, यानी कि शब्द के अंत में जुड़ने वाला। जब वो सफिक्स कहते हैं यानी कि प्रत्यय, प्रति का मतलब होता है हर किसी के, अय मतलब साथ में चलने वाला, तो किसी भी शब्द के अंत में चलने वाला, तो प्रत्यय कहता है मतलब किसी भी शब्द के अंत में, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, शब्दांत में, ठीक है ना। तो किसी भी मूल धातु शब्द के यदि अंत में कोई शब्द जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। यह प्रत्यय भी जब किसी मूल धातु शब्द में जुड़ता है तो जिस तरह उपसर्ग में परिवर्तन हो रहे थे, वैसे ही प्रत्यय के जुड़ने से भी शब्द में एक नयापन, एक विकार, एक परिवर्तन या एक रूपांतर देखने को मिलता है। दूसरी बात, यह प्रत्यय कभी केवल एक वर्ण अक्षर का होता है, जैसे कि आ, ई, नी, है ना। कभी कभी यह दो वर्ण के होते हैं, जैसे कि वाला, जैसे कि आओ, जैसे कि आपका आपका कह सकते खाना। कभी कभी यह तीन वर्ण अक्षर का होता है, जैसे कि आहट कहता है, आवट कहता है। कभी कभी यह चार वर्ण का भी पाया जाता है, जैसे कि अक्कर। तो कहने का मतलब, जिस तरह उपसर्ग के कोई अर्थ नहीं थे, वैसे ही प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जब ये किसी शब्द में जुड़ते हैं तो विशेष प्रभाव के अर्थ का ये निर्माण जो है वो करते हैं। इनकी पहचान कभी एक वर्ण, दो वर्ण, तीन या चार वर्ण की होते हैं। दूसरी बड़ी बात कि उपसर्ग की खासियत क्या थी, कि उपसर्ग में हम क्या कर रहे थे, कि उपसर्ग में हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की प्रक्रिया देख रहे थे, पर प्रत्यय जब जुड़ता है तो प्रत्यय के जुड़ने से क्या होता है, तो एक विशेष प्रभाव होता है कि यहाँ पर प्रत्यय जो है आपके स्वर से शुरू होने वाले होते हैं या आपके व्यंजन से शुरू होने वाला प्रत्यय होता है, जैसे कि आहट, अक्कड़, आलू, एरा, औवा, अव्वल, औना, है ना। ये सारे हमारे स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय हैं। कुछ ऐसे हैं जो व्यंजन से शुरू होते हैं, जैसे कि ता, ती, नी, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में वो प्रत्यय जो स्वर वाला है, जब किसी मूल धातु के साथ में जुड़ता है, जैसे बिक में आओ कह रहा है, तो स्वर से शुरू होने वाला प्रत्यय जब किसी मूल धातु में जुड़ता है तो वह अपने आप को मात्रात्मक रूप में बदल लेता है। लेकिन अगर वही आपका प्रत्यय व्यंजन वाला है, जैसे कि बिक के साथ में ना जुड़ गया है, तो व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए बिक में आओ जुड़ा तो बिकाऊ बन गया और बिक में ना जुड़ा तो बिकना बन गया। तो कहने का मतलब, चाहे वह प्रत्यय एक, दो, तीन या चार वर्ण का हो, अगर वह प्रत्यय स्वर से शुरू होने वाला है, एज अ वॉवल्स उसकी शुरुआत हो रही है, तो मूल धातु शब्द में जुड़ते समय वह प्रत्यय मात्रा में बदल जाएगा, है ना। दूसरी बात, अगर वो व्यंजन एज अ कॉन्सोनेंट अगर उसकी शुरुआत हो रही है तो उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस आधार पर हम प्रत्यय की चर्चा करेंगे। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से प्रत्यय दो प्रकार का माना जाता है। एक होता है हमारे लिए कृत प्रत्यय, इसे ही हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, इसे इंग्लिश में आप प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। दूसरा होता है हमारे लिए तद्धित प्रत्यय, जिसे आप इंग्लिश में नॉमिनल सफिक्स कहते हैं। इन सबको छोड़कर अगर देखा जाए तो एक उपभेद और होता है, जिसे फेमिनिन सफिक्स यानी कि स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। तो कुछ किताबों में स्त्री प्रत्यय के प्रयोग में यह कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल हम केवल मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, इसलिए काउंटेबल नहीं है। परंतु देखा जाए तो आपके कृत या कृदंत प्रत्यय और दूसरा है आपके हमारे लिए तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय हमारे लिए मुख्य तौर पर दो, और अगर पूरा गिना जाए तो तीन प्रकार के प्रत्यय का हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और कृत या कृदंत क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि प्रत्यय क्या है। किसी भी मूल धातु शब्द के अंत में जुड़ने वाला, किसी भी मूल धातु शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को ही प्रत्यय कहा जाता है। हर शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में एक नयापन, विकार या रूपांतर उत्पन्न करने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। इससे संबंधित लेक्चर वीडियो भी आपको जो दिया गया लिंक है वहां जाने पर मिलेगा, और बहुत डिटेल में सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। आप वहां से इन चीजों को पढ़कर जो भी मन के डाउट होंगे उसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस को जानने के लिए।
कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि कृदंत, अब देखिए इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो आपका कृदंत कहता है, तो ये शब्द हमारे लिए क्रिया अंत है ना। अब क्रिया अंत कहता है तो यहाँ पर हमारे लिए है कृत धन अंत। व्यंजन संधि की प्रक्रिया कहती है कि हलंत वाले त के बाद में यदि स्वर का वर्ण आता है यही त द में बदल जाता है। अब कृत से क्या बन गया, हमारे लिए कृद हो गया और हमारे लिए दंत बना, यानी कि कृदंत। कहने का कुल मतलब कि किसी भी क्रिया शब्द के अंत में जुड़ने वाले, किसी भी क्रिया शब्द के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत या कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी क्रिया शब्द के अंत में जुड़ता है, जैसे कि बिक है, उठ है, पढ़ है, चल है, खा है, गा है, देख है, लिख है, पका है, ये सारे क्रिया के शब्द हैं। यदि इसमें कोई प्रत्यय जुड़ रहा है तो किसी भी क्रिया के मूल धातु शब्द में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत या कृदंत प्रत्यय या प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है। ये जो कृत या कृदंत प्रत्यय होते हैं ना, इसके दो भेद होते हैं। एक तो कृत या कृदंत प्रत्यय का दो भेद होता है, जो मैं आपको बता दूं कि ये कृत या कृदंत प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है हमारे लिए विकारी, ठीक है, और एक होता है हमारे लिए अविकारी। अविकारी वो प्रत्यय होते हैं जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जो विकारी कृदंत होते हैं ना, इससे अलग अलग प्रकार की चीजों का निर्माण होता है। यानी अगर देखा जाए तो क्रिया के साथ में जब वो प्रत्यय जुड़ रहा होता है तो उसमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है और उसी विकार के आधार पर इसके उपभेद हो जाते हैं। जैसे कि तो जहां विकार उत्पन्न हो जाता है, तो विकार उत्पन्न होता है तो कभी कभी देखिएगा, जब मैंने संज्ञा बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि कभी एग्जाम्पल अगर हमेशा देखते हैं कि क्रिया का शब्द वाक्य में सबसे अंत में आता है, अगर कोई क्रिया का शब्द वाक्य से पहले आ जाता है तो वही क्रिया का शब्द एक संज्ञा के तौर पर काम करती है और उसे क्रियार्थक संज्ञा कही जाती है। इसी तरह कर्तृवाच्य का जब निर्माण होता है तो कर्तृवाच्य संज्ञा के तौर पर भी कृदंत प्रत्यय में विकार उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान कालिक जो आपके प्रत्यय जाता है, खाता है, पढ़ता है, तो है, हु, हो, ये जो है आपके वर्तमान कालिक प्रत्यय है। इसी प्रकार भूतकालिक प्रत्यय था, थे, थी। इसी प्रकार भविष्यकालिक प्रत्यय गा, गेगी, और क्रिया के मूल धातु में जुड़कर वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक प्रत्यय का निर्माण हो जाता है। और जब इन्हीं में विकार उत्पन्न होता है तो इनके कुछ उपभेद हो जाते हैं, यानी कि कर्ता को संबोधित करने वाला कर्तृ, जैसे कि आपको देखा जाए तो तैरने का क्रिया करता है तो तैराक कहलाता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो लड़ता है तो लड़ाकू कहलाता है, पढ़ता है तो पढ़ाकू कहलाता है। इसी प्रकार कर्म, ठीक है ना, लिखा, पढ़ा, खाया, देखा, उसी प्रकार करण, करण के अंतर्गत भी अगर हम देखते हैं तो इसके विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि भूला, भटका अगर हम कहते हैं, जब हम आपके भाव कहते हैं, भाव के अंतर्गत देखा जाए तो चलन कहते हैं, मिलन कहते हैं, है ना, पालन पोषण कहते हैं, और अगर हम क्रियात्मक कहते हैं तो चलता, फिरता, गिरता, मरता कहते हैं। तो कहने का कुल मतलब हुआ कि किसी भी क्रिया के मूल धातु शब्द में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जिसके दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ऐसे प्रत्यय जिसका प्रयोग करने से कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी प्रत्यय कहेंगे, लेकिन विकारी प्रत्यय के प्रयोग होते ही इस आपके क्रिया शब्द का प्रभाव बदल जाता है। जहां वो संज्ञा की तरह काम करती है तो क्रियार्थक संज्ञा, कर्तृवाच्य संज्ञा, और इसी में जुड़कर हमारे लिए आपका कर्ता के द्वारा वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक क्रिया के प्रयोग होते हैं। इन सब के उपभेद में कर्ता संबंधी, कर्म संबंधी, करण संबंधी, भाव संबंधी और क्रियात्मक शब्द का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर टू। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? क्या वो कृत प्रत्यय है, क्या वो कृदंत प्रत्यय है, क्या वो तद्धित प्रत्यय है, क्या ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों? तो ध्यान से समझिएगा, इसी प्रश्न को फिर से रिपीट किया है, अब यहाँ धातु शब्द कह रहा है। ठीक है, तो धातु क्या है, तो किसी भी क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो किसी भी क्रिया के मूल स्वरूप को धातु शब्द कहा जाता है। तो वो प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़ रहा है हम उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय का ही दूसरा नाम कृदंत है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वो प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम
और विशेषण के साथ जुड़ते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं, क्या इसे कृत प्रत्यय कहते हैं, क्या इसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, क्या इसे स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। तो क्रिया के अंत में जुड़ रहा है तो वो कृत या कृदंत प्रत्यय है। दूसरी बात, जो पूर्णिंग शब्द को स्त्रीलिंग बदलने के लिए प्रयोग हो रहा है उसे स्त्री प्रत्यय कहा जाएगा। तो बच्चा कौन हमारे लिए? तद्धित प्रत्यय, इसे नॉमिनल सफिक्स कहा जाता है। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में जो शब्द जुड़ते हैं प्रत्यय के तौर पर उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं और इसे हम तद्धितांत के भी नाम से पुकारते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है हमारे द्वारा, यदि जातिवाचक संज्ञा लड़का में पन प्रत्यय बना दिया जाए तो लड़कपन बन जाता है, अपना में पन जोड़ दे तो अपनापन बन जाता है, मीठा में आस जोड़ दे तो मिठास बन जाता है। यानी कि भाववाचक संज्ञा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्द को लेकर बन गई। इसी प्रकार हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, लाल से लालिमा, इसी प्रकार काला से कालीमा, ठीक है, और ये सारे शब्द का इस्तेमाल जो है वो बनाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब हमारे द्वारा नाम धातु क्रिया या भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है तो यदि हम किसी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द में प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो ऐसे प्रत्यय को तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय कहा जाता है। तो जिस तरह कृदंत प्रत्यय के दो उपभेद थे, विकारी अविकारी, और विकारी के चार भेद में से कुछ पक्ष बने थे, वैसे ही जब हमारे द्वारा तद्धित प्रत्यय के प्रयोग किए जाते हैं तो यहां पर भी कुछ शब्द हैं जिसका निर्माण होता है। सबसे पहली बात कि गुण होता है, ठीक है, इसी प्रकार भाव होता है, इसी रूप में हमारे अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करने से कुछ विशेष प्रकार के प्रभाव है जो देखने को मिलते हैं। यदि वो गुण बता रहा है, गुण बता रहे हैं यानी कि अगर आप यहाँ पर गुण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर वो कहता है मीठा में आस बता रहा है, ठीक है, कड़वा में आहट जोड़ रहा है, इसी प्रकार भाव बताता है। भाव में यदि हम कहते हैं तो लालिमा, नीलिमा, महिमा कहते हैं, इसी प्रकार अपनापन, लड़कपन कहते हैं, इसके अलावा अगर ममेरा, कसेरा, फुफेरा कहते हैं, जब वो कर्तृ बचाता है, कर्त्री कर्ता को संबोधित कर रहा है, जैसे कि भूलने की क्वालिटी है तो भुलक्कड़ है, पीने वाला गुण है तो पियक्कड़ है, ठीक है, चलता है अपने हमेशा चाल तो चालाक कहते हैं। इसी प्रकार अप्रत्ययवाचक, अप्रत्ययवाचक यानी कि इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर किसी संतान या वंश को बताता है, तो राधा का वंशज है तो राधे, कुंती का वंश है तो कौंतेय, पांडु का वंश है तो पांडव के नाम से पुकारा जाता है, इसी तरह देखा जाए तो यादव कहते हैं। न्यूनतावाचक, जहां पर एक संख्या को कम बता रहा है तो डब्बा है तो छोटा बता रहा है तो डिबिया, नद्य बड़ा है तो नदिया, ठीक है, इसी प्रकार कटोरा बड़ा है तो कटोरी कहते हैं, इसके रूप में अगर देखते हैं बाघ बड़ा है तो बगीचा कहते हैं। जब हमारे द्वारा संबंध बताया जाता है, संबंध के तौर पर देखते हैं तो ममेरा, फुफेरा कहते हैं, कसेरा कहते हैं, ठीक है, जब हम गणना कहते हैं तो संख्या बोध, जैसे कि हमारे लिए आपका देखा जाए तो हम हरी लगाते, एक हरी दो हरी, है ना, इसी प्रकार हम पहला दूसरा तीसरा, तो रारी लगाते हैं, हरी लगाते हैं, सरी लगाते हैं, तो गणना बनाया जाता है। इसके अलावा सादृश्यता, हम सा लगाते हैं, मुझसा, तुझसा, पीला सा, लाल सा, नीला सा, जब हमारे द्वारा स्थान तो पंजाब से संबंधित है तो पंजाबी, गुजरात से संबंधित है तो गुजराती, कहने का मतलब अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर जितने प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कर्ता को संबोधित कर रहा है, आर प्रत्यय तो लोहार, सुनार, उसी प्रकार कार प्रत्यय है तो उपन्यासकार कहते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करने से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्द में हम लगाते हैं तो उस शब्द में एक विशेष गुण, एक विशेष प्रभाव, कर्ता को संबोधित करने वाला, अप्रत्यय यानी कि वंश को संबोधित करने वाला, कोई कमी या छोटा पद बताने वाला, संबंध बताने वाला, गणना करने वाला, सादृश्यता और स्थान, इतने प्रकार के शब्द का निर्माण जो है वो होता है। अब ध्यान समझिएगा, यदि कृत या कृदंत प्रत्यय है, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को बार बार भूल जाता है तो हम उसकी विशेषता है इसलिए उस व्यक्ति को भूलक्कड़ कहते हैं, क्योंकि बार बार वो कुछ पीता है इसलिए उसे पियक्कड़ कहते हैं। तो कर्ता को संबोधित कर रहा है तो कर्तृ के अनुसार वो कृदंत हो जाता है और उसकी क्वालिटी के अनुसार वो हमारे लिए तद्धित हो जाता है। तो कहने का मतलब कि वो प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं और तद्धित प्रत्यय को तद्धितान या नॉमिनल सफिक्स के नाम से पुकारा जाता है। और इस प्रत्यय का प्रयोग करके हम नाम धातु क्रिया और भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में कर प्रत्यय नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए लघुत्तर, ऑप्शन नंबर बी उच्चतर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर और ऑप्शन नंबर डी सर्वोत्तर। देखने वाली बात है कि लघु में तर प्रत्यय जुड़ा है। अब ये जो तर प्रत्यय है ध्यान से समझेंगे, जब हम विशेषण की तुलना का आधार मानते हैं तो जो हमारा कंपेरेटिव डिग्री होता है यानी कि दो चीजों के मध्य जब तुलना होती है तब वहां उत्तरावस्था का प्रयोग होता है और उसी उत्तरावस्था में हम तर प्रत्यय से पहचानते हैं। तो लघु में उत्तर जुड़ा है तो लघुत्तर हो गया, उच्च में तर जुड़ा है तो उच्चतर हो गया, सर्व में उत्तर जुड़ा है तो आपका उज्ज हो गया। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है उत्तर, ये अपने आप में एक शब्द है उत्तर, जो प्रश्न का जवाब हम लिखते हैं उसे उत्तर कहते हैं, तो उत्तर शब्द में तर प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो देखने वाली बात है कि उत्तमावस्था में यदि हम तम कहते हैं तो सर्वोत्तम, न्यूनतम, लघुत्तम कहते हैं, ये हमारे लिए तम प्रत्यय के प्रयोग से वो बनेगा और तर प्रत्यय के प्रयोग से उच्चतर, न्यूनतम, अधिकतर और सर्वोत्तर बना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द पर इन प्रत्यय और ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। यहां दिया है दो प्रत्यय तो चार में से किसी तीन में इन या ई का प्रयोग होगा, लेकिन कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इनका प्रयोग नहीं है। अर्थी, हस्ती, रोगी और पंडिताइन। अर्थ में ई प्रत्यय जुड़कर बन गया है अर्थी, हस्त में ई प्रत्यय जुड़कर बन गया है हस्ती और रोग में ई प्रत्यय जुड़कर बन गया है रोगी, लेकिन पंडिताइन कह रहा है तो यहां पर हमारे लिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि इन प्रत्यय जो है वो दिखाई दे रहा है। आपको नजर आ रहा होगा कि यहां यहां जो है वो इन प्रत्यय है और यहां भी आपको इन दिखाई दे रहा है, पर ध्यान रखिएगा कि पंडित शब्द में आपका आइन प्रत्यय है। मैंने पहले ही बताया जब कोई प्रत्यय स्वर से शुरू होने वाला होता है तो जब किसी मूल धातु में जुड़ रहा हो तो मात्रा में बदल जाता है, यहाँ आ प्रत्यय है जो आपको शुरुआत स्वर से हो रहा है, जैसे पंडित में आइन प्रत्यय है, माने कि यहाँ पर हमारे लिए पंडिताइन शब्द में हमारा इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। कर्तव्य शब्द किस प्रत्यय का उदाहरण है, क्या यह तव्यक प्रत्यय का उदाहरण है, क्या ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है, अनियर का या कत्व प्रत्यय का। संस्कृत के प्रत्ययों का हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जिस तरह संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग है वैसे ही संस्कृत के प्रत्यय का भी प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, इसका विशेष अर्थ होता है। यदि हम तव्यक कहते हैं तो यह हिंदी भाषा में चाहिए के अर्थ को बताता है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। जब हम ल्यप का प्रयोग करते हैं है ना, तो इसका प्रयोग हमारे लिए आपके पूर्वकालिक क्रिया करके इसके अर्थ को बताने का प्रयास करता है। अनियर यानी कि यह योग्य के अर्थ को बताने का काम करता है। ठीक है, और कत्वा इसका प्रयोग हम कर अर्थ को बताने के लिए करते हैं। तो कहने का कुल मतलब क्या हुआ कि कर्तव्य मतलब कि तुम्हारा यह कर्तव्य है, तुम्हें करना चाहिए, इस अर्थ को बताता है, या तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं, जब तव्यत प्रत्यय किसी मूल धातु में जुड़ता है तो त साइलेंट हो जाता है, केवल तव्य जो है वो बचता है। दूसरा, जब हम किसी उपसर्ग के बाद में किसी धातु को देखते हैं, किसी उपसर्ग के बाद में धातु को देखा जाता है, उसके बाद कोई प्रत्यय जुड़ता है, उसके बाद कोई प्रत्यय जुड़ता है तब वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होते हैं, जहां से हमारे लिए ल और प साइलेंट होता है केवल यह जो है वो बचता है। किसी मूल धातु शब्द में जब हमारे द्वारा योग्य के अर्थ का प्रयोग होता है तो अनियर में से र प्रत्यय जो साइलेंट होता है और अनिय जुड़ता है। कत्वा प्रत्यय का जब हम किसी शब्द में योग करते हैं तो वहां से आपका क जो है वो हट जाता है, इसलिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क साइलेंट हो जाता है। और इस आधार पर देखा जाए तो कृ धातु में तव्य प्रत्यय से कर्तव्य बन गया, मतलब करना चाहिए। उसी प्रकार प्र धातु में उपसर्ग है, इसमें प्र उपसर्ग है, जैसे कि प्र उपसर्ग है, दा धातु है और यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है, प्रधातु है, दा उपसर्ग है, लेप प्रत्यय है, तो प्रदाय यत्ने की मतलब दे करके।
अब अगर वो दर्श धातु है और अनियर प्रत्यय तो दर्शनीय रमणीय पठनीय ऐसे शब्द पढ़ने योग्य देखने योग्य बनता है। और कत्वा अगर हम कहते हैं भू धातु है तो हम वहां पर कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तभी हमारे लिए भूत्वा होता है यानी कि होकर। गत्वा मतलब कि आपके जाकर, खादित्वा मतलब कि खाकर। तो ये संस्कृत के उपसर्ग प्रत्यय होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है। तो कर्तव्य शब्द किस प्रत्यय का उदाहरण है, यह तव्यत प्रत्यय का ये उदाहरण है। ये सारी चीजें आपको वहां डिटेल वीडियो में मिल जाएंगी क्योंकि यहाँ पर समझा रही हूँ तो शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ पर वहां आपको पूरे डिटेल में चीजें आपको मिलेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर। अनुज शब्द को स्त्री सूचक बनाने हेतु आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्रत्यय तीन प्रकार का है, कृत या कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। लेकिन स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, जब हम किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल रहे हो। तो अनुज शब्द को स्त्री सूचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्या इक प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे, क्या ई का प्रयोग करेंगे, क्या आ का प्रयोग करेंगे या ई का करेंगे। अनुज हमारे बाद आने वाला जो छोटा भाई है उसे हम अनुज कहते हैं, इसलिए जो हमारी छोटी बहन होती है उसे अनुजा कहा जाता है। ठीक है, तो स्त्री प्रत्यय कितने हैं ध्यान समझिएगा। जब किसी साउंडिंग इफेक्ट को आ को हम बदलते हैं ई में तो बेटा से बेटी, लड़का से लड़की हो जाता है। हम अक को किस में बदल देते हैं, ईका में, तो गायक से गायिका, नायक से नायिका। हम आनी लगाते हैं, देवरानी जेठानी। हम नी लगाते हैं, हंसिनी मोरनी ऊटनी कहकर। ठीक है, हम आइन लगाते हैं, शर्माइन मिश्राइन कहते हैं, पंडिताइन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो हम यहाँ पर आपके इया प्रत्यय है ना, बूढ़ा है तो बुढ़िया कहते हैं, कुत्ता है तो कुतिया कहते हैं। इन सभी का प्रयोग जो है हमारे द्वारा किया जाता है। वान से वती हो जाती, गुणवान से गुणवती, उसी प्रकार बुद्धिमान से बन जाती है बुद्धिमती और श्रीमान से हो जाती है श्रीमती। ठीक है, इसी रूप में अलग अलग प्रकार के और प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग हम स्त्री सूचक के तौर पर करते हैं। जैसे कि इन प्रत्यय का प्रयोग नागिन कहा जाता है। ठीक है, हम इनी कहते हैं, सर्पिणी कहते हैं, इसी प्रकार हमारे द्वारा देखा जाता है रोगिणी कहते हैं, यक्षिणी कहते हैं। ये सारे प्रत्यय हैं जो स्त्री सूचक होते हैं, जहाँ पुल्लिंग से हमारे द्वारा स्त्रीलिंग शब्द बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग जो है वो किया जाता है। हम जो त्री का प्रयोग करते हैं, दाता है तो दात्री, करता है तो कर्त्री। तो ऐसे प्रत्यय जो किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। तो हम अनुज से हम क्या कर रहे हैं, अनुजा, यानी कि हम कभी कभी आ का प्रयोग करते हैं, प्रियतम से प्रियतमा, इसी प्रकार प्राचार्य से प्राचार्य, छात्र से छात्रा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डिबिया शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय को पृथक कीजिए। डिब धन इया, डिब्बा धन इया, डिबी धन या और डी धन बिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैंने बताया कि जब हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो न्यूनता वाचक हो जाता है, यानी कि जो बड़ा रूप होता है उसका छोटा रूप प्रदर्शित किया जाता है, तो इया प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसीलिए तो डब्बा शब्द जो है वो बड़ा है और डब्बा में इया जुड़ गया तब हमारे लिए डिबिया बन जाता है। तो डिब्बा शब्द में इया जुड़ने से डिबिया हो गया, नद्य में इया जुड़ा तो नदिया हो गया। ठीक है ना, ये आपके प्रयोग है आपके क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है पढ़ाई, जागृति, कथित या नैतिक। तो ध्यान समझेंगे कि क्रीदंत प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाला शब्द क्रिया का होगा, परंतु जो हमारे लिए तद्धित प्रत्यय वाले होंगे इससे बनने वाले शब्द जो होंगे भाववाचक संज्ञा और नाम धातु क्रिया जैसी होगी। कुल मिलाकर अगर पढ़ाई कह रहा है तो यह क्रिया है, जागृति कह रहा है जागना ये भी क्रिया है, कथित कह रहा है कहना ये भी क्रिया है, लेकिन नैतिक कह रहा है, नीति धन इक कह रहा है कि भाव को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर डी है जो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, बाकी तीन है जो आपके कृत या कृदंत प्रत्यय के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय के बना हुआ है, देहदान, पीकदान, जीवनदान या सभी। तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द जैसे प्रत्यय का प्रयोग है, देहदान कह रहा है तो दान प्रत्यय, पीकदान कह रहा है तो दान प्रत्यय, जीवन दान कह रहा है तो दान प्रत्यय, यानी कि सभी में प्रत्यय का प्रयोग जो है वो हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं हम। निम्न शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनने वाले सही विकल्पों को चुनिए। अब दिया यहां पर वर,
वर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे जिससे हमारे लिए उचित शब्द का निर्माण होगा, क्या वरिष्ठ 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 या वरिष्ठ। तो देखने वाली बात है कि संस्कृत का इष्ठन प्रत्यय जो आपको मैंने तव्य अनियर ल्यप और कत्या प्रत्यय बताया था, वैसे ही संस्कृत का इष्ठन प्रत्यय है जब किसी मूल धातु में जुड़ता है तो इष्ट ही बचता है, इसलिए गरिष्ठ वरिष्ठ बलिष्ठ का निर्माण होता है। इसी तरह एक और प्रत्यय है जो है आपका मतुप प्रत्यय, जब ये प्रत्यय मूल धातु में जुड़ता है तो मत बनता है और यही हमारे लिए आपका मति हो जाता है, तो बुद्धिमत गुणमत कहते हैं तो बुद्धिमति गुणमति हो जाता है, ठीक है। इसी रूप में अगर वो का वतुप प्रत्यय कहता है तो मूल धातु में जुड़ते समय वत प्रत्यय ही शेष बचता है तो गुणवत और हम यहाँ पर कहते हैं बुद्धिवत, है ना। तो ये हमारे लिए आपके संस्कृत के प्रत्यय हैं जिसका इस्तेमाल कत्वा ल्यप अनियर, ठीक है, उसी प्रकार आपके इस्तेमाल के तौर पर सारे प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके अलावा हम आदि से सूचना वेदना कहते हैं, इसके अतिरिक्त हम और बहुत सारे संस्कृत के प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, सूचना है वेदना है, इसी प्रकार देखा जाए तो हम पाठक गायक कह रहे हैं, इसी प्रकार हमारे लिए आप शब्द में पूज्य कह रहे हैं, अगर हम शाली प्रत्यय मतलब बलशाली, उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर जीवी परजीवी कहलाता है, इसी रूप में हम तया विशेषतया मुख्यतया कहते हैं, हम ता कविता उस पर कहते हैं, त्वा व्यक्तित्व कृतित्व कहते हैं, और उसी प्रकार में धा तो बहुधा कहते हैं, दा तो सर्वदा कहते हैं। ये सारे प्रशब्द हैं जो संस्कृत के प्रत्यय के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे लिए आपका क्वेश्चन नंबर 12, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, सजावट बनावट रुकावट या घबराहट। तो देखने वाली बात है सबका साउंडिंग इफेक्ट में लास्ट साउंडिंग लेटर ट है, लेकिन आहट और आवट कह रहा है, तो सजाना में आवट प्रत्यय से सजावट, रुकना में आवट से रुकावट, बना में आवट से बनावट, लेकिन घबराहट कह रहा है, यहां हमारे लिए आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला, इमा प्रत्यय रहित शब्द को चुनिए, फातिमा कालीमा लालिमा हरितिमा। ये एक तद्धित प्रत्यय है जहां विशेषण बन रहा है, काला में इमा जुड़ गया तो कालीमा, लाल में इमा जुड़ गया तो लालिमा, और हरित में इमा जुड़ा तो हरिमा हरितिमा, लेकिन फातिमा शब्द में इमा प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, भिन्न प्रत्यय वाले शब्द का चयन कीजिए, गमगीन नमकीन शौकीन और गलीचा। तो जिस तरह हमारे लिए संस्कृत के उपसर्ग थे वैसे ही संस्कृत का प्रत्यय था, हिंदी के उपसर्ग थे वैसे ही हिंदी के प्रत्यय, अव्वल औना अक्कड़ आलू एरा ईल उल हार हारा, ठीक है ना, ताती नानी, ये सारे हमारे लिए हिंदी के प्रत्यय हैं जिसे देशज तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो देशज शब्दों की बहुलता वाले हो जाते हैं, तो संस्कृत के शब्दों को छोड़कर देशज बोलचाल या साधारण बोलचाल में जो हम जितने भी प्रत्यय इस्तेमाल करते हैं वो हिंदी के प्रत्यय बन जाते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई छपाई लिखाई बिकाऊ टिकाऊ खड़ाऊ कहते हैं, कटौती कहते हैं, उसी प्रकार बपौती कहते हैं, चुनौती कहते हैं, इसी प्रकार हंसोड़ कहते हैं, बेजोड़ कहते हैं, लकड़हारा पनिहारा कहलाते हैं, ठीक है, चलता फिरता गिरता, ये सारे हमारे लिए साधारण बोलचाल है। लेकिन अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय हैं जिसका इस्तेमाल हम प्रत्यय के तौर पर अपनी हिंदी भाषा में करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा गलीचा, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ईचा प्रत्यय जुड़ा है, बाकी सब में हमारे लिए इन प्रत्यय का इस्तेमाल है। तो अरबी फारसी के उपसर्ग की अगर हम बात करें तो अरबी फारसी के उपसर्ग में हम खोर का प्रयोग करते हैं, रिश्वतखोर चुगलखोर कहते हैं, बाज का प्रयोग करते हैं दगाबाज धोखेबाज कहते हैं, इसी प्रकार हम देखते हैं तो इंदा का प्रयोग करते हैं, चुनिंदा नुमाइंदा शर्मिंदा कहते हैं, इनका प्रयोग है गमगीन नमकीन शौकीन के लिए, ईचा का प्रयोग है गलीचा बगीचा के लिए, ठीक, इसी प्रकार बंद का प्रयोग करते हैं, नजर बंद कहते हैं, बिस्तर बंद कहते हैं, इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रत्यय हैं जिसका इस्तेमाल अरबी फारसी के तौर पर किया जाता है, जैसे कि गार है ना तो रोजगार बेगार कहते हैं, गीर राहगीर कहते हैं, गर लगा दे तो बाजीगर कहते हैं, इसी प्रकार गार लगा दे तो तलबगार मददगार कहते हैं, आबाद लगा दे तो फैजाबाद इलाहाबाद कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ अगर देखा जाए तो हम गी लगा दे जैसे दीवानगी रवानगी हैवानगी कहते हैं, हम यहां
पर शब्द में इस्तेमाल के तौर पर नामा, तो इकरार नामा, बाबर नामा कहते हैं, वेद आपका आवेश दस्तावेज कहा जाता है। इसके अलावा नाक, खतरनाक, शर्मनाक, साज लगाते हैं, घड़ी साज, मिलन साज कहते हैं, और जब हम कहते हैं आपके ज्यादा बेजार कहते हैं, गाह लगाते चारा गाह, बंदर गाह कहा जाता है। इसी प्रकार नशीन, हम नशीन कहते हैं, ठीक है, हम वाह आपके इस्तेमाल में वाहन कहते हैं, कोच वाहन, गाड़ी वाहन कहते हैं, आप जैसे कि जुलाब कहते हैं, आफ्ताब कहते हैं, महताब कहते हैं, हम यहाँ पर आपके इस्तेमाल में सार, मिलन सार कहते हैं, अंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज कहते हैं, ज्यादा जैसे कि हराम ज्यादा कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम पोष कहते हैं जैसे कि नकाब पोष, और इसी प्रकार कार तो उपन्यासकार, काश्तकार कहते हैं। कुल मिलाकर आपके अरबी फारसी से बनने वाला शब्द जिस तरह उपसर्गों में अरबी फारसी युक्त प्रभावित है, वैसे ही प्रत्यय में होता है, ठीक है। तो हम 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, समझदारी में प्रयुक्त प्रत्यय की संख्या पहचानिए। क्या इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग है, क्या दो का, तीन का, या चार का प्रयोग है? तो समझदारी में कितने प्रत्यय का प्रयोग है? तो जिस तरह मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि किसी शब्द में केवल एक ही प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग का प्रयोग होगा, वैसे ही जरूरी नहीं है कि हर जगह केवल एक ही प्रत्यय जुड़ेगा। कभी कभी शब्दों में दो प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो यदि हम समझदारी कहते हैं तो दार प्रत्यय और साथ में ई प्रत्यय का प्रयोग से बना है, यानी कि यहां पर दो प्रकार के प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं भिन्न प्रत्यय का चयन कीजिए, बार, बाज, हो या तब्य। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जैसे मैंने अभी अरबी फारसी के प्रत्यय की बात की, तो हम बान का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कोचवान, गाड़ीवान कहते हैं, है ना, उसी प्रकार बागवान कहते हैं, बाज, दगाबाज, चालबाज, धोखेबाज कहते हैं, खोर, रिश्वतखोर, चुगलखोर कहते हैं। लेकिन ये जो है हमारा आपका कर्तव्य कहता है, ये आपका संस्कृत का है, यानी भिन्न प्रत्यय का प्रयोग कहाँ है आपके, तव्य प्रत्यय में देखने को मिलता है। और इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय से जो आपके टॉपिक है आज वो कवर होते हैं। एक चीज आपको मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि कुछ ही टॉपिक अब आपके बचे हैं, जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय बचा है, वाक्यांशों का एक शब्द बचा है, साथ ही बचा है संधि और समास। जैसे ही आपके इतने सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे इसी टाइम शेड्यूल में और इसी चीज में लैंग्वेज मंत्रा के अंतर्गत, हम शुरू करेंगे दूसरा लैंग्वेज जो CGPSC प्री, मेंस और व्याकरण में जरूर पूछा जाता है, वो है हमारे लिए छत्तीसगढ़ी भाषा। कुछ बच्चों ने डिमांड करी थी कि क्या मैम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का भी करवाएंगे क्या, तो MCQ के माध्यम से टॉपिक वाइज छत्तीसगढ़ी को भी मैं इसी टाइम शेड्यूल में आपको कंप्लीट करके दूंगी कि आपके CGPSC प्री की परीक्षा के समय तक जिस तरह हिंदी कंप्लीट हो गई, वैसे ही आपकी छत्तीसगढ़ी कंप्लीट करवा दूंगी। यानी अब आपके हिंदी में कुछ टॉपिक ही बचे हैं, जैसे कि मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्यांशों का एक शब्द बचा हुआ है, साथ ही संधि और समास बचे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम इसी टाइम शेड्यूल पर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। तो आज के इस MCQ यानी कि लैंग्वेज मंत्रा के अंतर्गत मैंने उपसर्ग और प्रत्यय को डिटेल में समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इसको और अच्छे से जानना है, क्योंकि हर चीज को बोर्ड पर लिख पाना संभव नहीं है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन अगर आपको समझना है तो जो आई बटन है उसको क्लिक करें, तो एक लिंक मिलेगा उपसर्ग और प्रत्यय का, जहां जाकर आप इसके डिटेल वीडियो में उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने लिए जितने भी मन में डाउट्स होंगे सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।